हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर गाइज आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये है सॉलिड स्टेट ठीक है सॉलिड स्टेट में हम लोग डेफिनेटली सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे अभी आज के वीडियो में हम लोग क्या एक्जैक्टली सॉलिड स्टेट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स पढ़ेंगे हम लोग ठीक है और टाइप जो पर्टिकुलर टाइप है उसके भी कुछ सब टाइप्स है वो भी आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे ठीक है देखो बच्चों इलेवन्थ स्टैंड में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा था राइट right? उसमें हमने सॉलिड स्टेट क्या है लिक्विड क्या है गैस क्या है बेसिकली उस पर्टिकुलर चैप्टर में इन डिटेल हमने स्टडी की थी गैसी स्टेट के लिए एंड लिक्विड स्टेट के लिए ठीक है सॉलिड स्टेट के लिए ज़्यादा डिटेल में स्टडी हुई नहीं थी पे। तो स्टैंडर्ड में हमें ये ये चैप्टर चैप्टर पढ़ना है सॉलिड रफ़ली ऑप्शन आपको आपको मार्क मार्क के लिए रहेगा जहां पे अबाउट यू नो की थोरी होगी एंड दो मार्क का न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा एग्जाम में ठीक शुरू हैं गाइस सॉलिड से, से, से तो पहले कर लेते सॉलिड कंपोनेंट ठीक है सॉलिड एक्सैक्टली exactly क्यों होता है जैसे कि एनएसएल तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड स्टेट में क्यों है है बॉस ठीक या फिर शुगर पार्टिकल तो वो सॉलिड स्टेट क्यों है नॉट प्रेजेंट इन द लिक्विड और इन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉलिड uh, मटेरियल की पहला तो ये है कि कंस्टेंट पार्टिकल्स वहां पे होंगे एटम आयन या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे राइट नो कंस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे एक तो एटम हो सकता है एक तो आय होंगे या फिर उसके मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें जो कंस्टेंट पार्टिकल्स है जब भी अरेंज होंगे definite, uh, solid, uh, as well as होगा. क्यों होगा क्योंकि देखो सॉलिड मटेरियल में जो मॉलिक्यूल है या फिर एटम है या फिर आइंस है उसमें इंटरमोलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा इप आल ड्रॉ द डायग्राम अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लू इस तरह समझ लो कि ये ये क्रिस्टल है ठीक है जहां पे ये सारे सॉलिड मटेरियल ये कंस्टेंट पार्टिकल है समझ लो ये में भी एटम हो सकते हैं आयन हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल करेक्ट अब इस बच्चों इसमें होगा क्या कि कंस्टेंट पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा ठीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे जो पार्टिकल एक बार यू you नो know, Uh, कह सकते कि स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया वो जल्दी छोड़ेगा नहीं ओके okay? जैसे ही वो जल्दी छोड़ेगा नहीं इसका मतलब क्या है कि उसका जो शेप है कंस्टेंट पार्टिकल का या फिर सॉलिड मटेरियल का वो सेम होगा एट द सेम टाइम वॉल्यूम भी फिक्स ही होगा सो so, याद रखना द सॉलिड मटेरियल डू हैव अ डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम क्योंकि वंस द से द दस्टेंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड मटेरियल मे बी एटम आयन और अ मॉलिक्यूल एक्वायर द द पोजीशन इट डज नॉट यू नो लेफ्ट इट पोजिशन अंटिल एनलिस कुछ पैरामीटर चेंज हो गया जैसे कि टेम्परेचर चेंज कर लिया प्रेशर चेंज हो गया दिस वे ओनली ठीक है ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है नॉन कॉम्प्रेसिबल है ठीक है अगर ये पेन है तो ये पेन देख लो तो ये अगर मैं हम दोनों तरफ से मैं इसको प्रेशराइज कर लू तो ये नॉन कॉम्प्रेसिबल कुछ सॉलिड मटेरियल जो कॉम्प्रेसिबल हो सकते हैं चेंज शेप चेंज कर सकता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी होती है वो होता है रबर में राइट right, ना तो वो एक एक एक्सेप्शनल केस हो गया तो ऑल दी सॉलिड मटेरियल यू नो आर नॉन कॉम्प्रेसिबल एंड दिस सॉलिड मटेरियल टू हैव अ हाई मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट देखो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द कॉन्स्ट्रेट पार्टिकल उसकी वजह से वो सेपरेट होने के लिए ज्यादा हीट लगेगी दैट्स व्हाई दे डू हैव अ यू नो हाई मेल्टिंग एज वेल एज अ बॉइलिंग पॉइंट तो ये सारे हो गए क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल क्या है सॉलिड मटेरियल टू हैव द कंटेन पार्टिकल एटम आयन और मॉलिक्यूल हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम

एक कुछ सटन गैप होगा वापस से आपको अरेंजमेंट होगी ये वापस ये सब रोज है जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की अब यहां पे आप देख सकते हो कि इन दिस केस ये कुछ गैप दिख रहा होगा आपको यहां पे भी कुछ गैप दिख रहा होगा आपको अंडरस्टूड तो एक सर्टन यू नो कंटिन्यूस कह सकते हैं कि रिपीटेड uh, अरेंजमेंट नहीं होता इसमें शार्प मेल्टिंग नहीं होगा मेल्टिंग पॉइंट एक सर्टन रेंज में होगा अंडरस्टूड जैसे कि एक है समझ लो कि ग्लास है स्पेसिफिक ग्लास तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 टू 110 डिग्री सेल्सियस में तो कभी कभार मेल्ट होगा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे कभी मेल्ट हो जाएगा 105 डिग्री सेल्सियस पे बट एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा अंडरस्टूड दे दिस दिस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक एज़ वेल ठीक है आइसोट्रोपिक नेचर होगा इन पर्टिकुलर सॉलिड का एंड एग्जांपल क्या है ग्लास प्लास्टिक रबर टार ये सारे एग्जांपल्स होंगे ठीक है थीके? सारे ग्लास है ओके प्लास्टिक रबर नेचुरल रबर आर्टि सिंथेटिक रबर ये दोनों इवन टार ये आर दी एग्जांपल्स ऑफ वन अमोर फॉर सॉलिड तो ये सारे पॉइंट्स पॉइंट अच्छे से याद रखना इंक्लूडिंग एग्जाम्पल दैट कंस्टेंट पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज, दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट दे दिस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड एग्जाम्पल्स आर ग्लास प्लास्टिक रबर एंड टार चलो म विल गो फॉर द क्रिस्टलाइन सॉलिड ओके अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है वो भी पढ़ लेते हैं देखो बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर ही फोकस करना है एक्चुअली ठीक है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या देर इज एंड इन पीरियोडिसिटी इन द अरेजमेंट ऑफ दी कंस्टेंट पार्टिकल्स रेगुलरिटी है एज वेल एज अ पीरियोडिसिटी यानी रिपीटिंग अरेंजमेंट है तो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था एक्चुअली एट द स्टार्ट समझाने के लिए जो सॉलिड मटेरियल का तो ये एक्चुअली अपना क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया क्योंकि यहाँ पे वन आफ्टर अनादर एक के ऊपर एक लेयर्स फॉर्म करेंगे ऑल द थ्री डायमेंशन में पार्टिकल्स अरेंज होंगे सो वन आफ्टर अनादर रिपीटिंग अरेंजमेंट होती है ओके सो देर इज अ रेगुलरिटी एंड यू नो पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड ये तो हो गया एक चीज नाउ दे हैव्टिंगिक्स मेल्टिंग अगर आप देख लो तो एसिड एक सॉलिड मटेरियल है मेल्टिंग पॉइंट किसका कितना है उसका 101 जीरो वन डिग्री सेल्सियस बेन्जोइक एसिड एक सॉलिड मटेरियल है कितना मेल्टिंग पॉइंट है उसका तो दैट इज वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस तो एक्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट प्योर अगर हमने सब्स ले लिया तो आपको मिल जाएगा यू गॉट द पॉइंट ठीक है तो इस तरह से

यू you नो know, एक पर्टिकुलर रेंज से आप यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आप लोग उसको ऑब्जर्व करो तो आपको कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग अलग मिल सकती है एंड दैट्स देट्स वेर विल बी सम चेंजेस इन द द प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है तो ये ऐसे प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आपको मिल सकती है बिकॉज ऑफ दैट यू नो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन सो दैट इज कॉल्ड टू बी द एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी तो ये एनिसोट्रॉपिक इन नेचर है हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड इज अ रेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ अ कंस्टेंट पार्टिकल्स एग्जाम्पल आप सॉलिड ले लो मेटल ले लो ठीक है जैसे मेटल मैंने लिखा है सिल्वर गोल्ड ए यू एन ए कॉपर एन ए सी एल एम जी सी एल टू जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट आप एनालिसिस करोगे वो सारे क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ में आ गया अमरफ सॉलिड एज वेल एज क्रिस्टल सॉलिड बच्चों आपको यहाँ पे डिफरेंस पूछेंगे तो डिफरेंस बिटवीन अमरफॉर सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड तो यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हो ये सारे कंस्टेंट पार्टिकल रैंडमली अरेंज

तो ये हो गया आपके चार पॉइंट और यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो तो नंबर ऑफ टाइम यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नमर सॉलिड पूछा गया है सो तो गाइस यही चार पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है दैट्स ऑल ओनली बराबर है अब मैंने बोला था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हमें फोकस करना है और क्रिस्टन सॉलिड के ऊपर ही हमें ध्यान देना है तो हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं ऑन द टाइप्स ऑफ Uh, पहले ये दो टर्म पढ़ लेते हैं उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ लेते हैं ठीक है फर्स्ट विल गो फॉर आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस और उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स भी पढ़ने एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तो फर्स्ट विल गो फॉर व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म ये भी बच्चो आइसोमोफिम पॉलीमॉर्फिज्म एक एक मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ये टॉपिक ओके सो विल सी दिस आइसोमॉर्फिज्म एज वेल एज पॉलीमॉर्फिज्म ठीक है आइसोमॉर्फिज्म यानी क्या व्हेन टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक है क्या है देखो हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा सो so, उस पर्टिकुलर यू नो टाइप ऑफ क्रिस्टल को हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फस आइसोमॉर्फिज्म या फिर आइसोमज ये वर्ड सुना होगा ठीक है दिस इज लाइक सेम ओनली जहां पे यू you नो know, जो एलिमेंट होंगे टू कंबाइन और आयंस होंगे टू कंबाइन दी आयंस कंबाइन करके मॉलिकुल फॉर्म करेंगे तो उनका रेशियो ऑलमोस्ट सेम होगा जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल एन एफ एंड एम जी ओ

एलिमेंट का रेशियो वन इज टू वन इज टू थ्री तो टू थ्री इन बोथ एन एन थ्री एंड सी तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होगा बट दोनों डिफरेंट कंपाउंड होंगे तो वैसे एलिमेंट वैसे सॉलिड को हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फस ओके पॉलीमॉर्फिज्म यानी क्या बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एक ही टाइप का सब्सटेंस है एक ही सब्सटेंस है सिंगल सब्सटेंस ओनली बट इट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स ठीक है इट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड टू बी पॉलीमोर्फस समझ में आ गया ओके okay. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो जैसे कि सी एस सी ओ थ्री सी एस सी ओ थ्री दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट इन दम ऑफ कैल्साइट एंड एरोगनाइट ठीक है इवन सिलिका सिलिका का फॉर्मला क्या है एस आई ओ टू एस आई ओ टू इज एक्स इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अल यू नो अल्फाकॉर्स बीटाकॉल्स एंड द क्रिस्टोबेलाइट तो ये जो दो तीन डिफरेंट uh, फॉर्म्स है एक ही कंपाउंड बट डिफरेंट अरेंजमेंट होंगी यहां पे भी सिलिका एक ही टाइप का मॉलिकुलर फॉर्मला एसाई टू बट डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट होगी फिजिकल प्रॉपर्टी डेफिनेटली अलग होगी तो दैट इज आइसोमोफिम टू बी पॉलीमोर्फस सो टू डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड पॉलीमार्फिजम सिंगल सब्सटेंस यू नो एक्सिट इन अ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म दैट इज कॉल्ड टू बी पॉलीमॉर्फिजम क्लियर हो गया एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अब देखो बच्चों चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें यहाँ पे पढ़ने हैं कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने हैं फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ओके अब यहाँ पे मैंने अच्छे से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स भी नोट कर दिए हैं और आपको इतना ही पढ़ना है एक्चुअली आपको इतना ही पढ़ना है आपको बेसिकली ये जो, जो जो चार टॉपिक है उसको किस फॉर्म में पढ़ना है पहले वहां पे उस पर्टिकुलर टॉपिक में कंस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे क्योंकि मैंने सॉलिड में कंस्टेंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं एक तो सॉलिड हो सकता है एटम हो सकता है मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आय एटम मॉलिक्यूल और ये तो कंस्टेंट पार्टिकल्स है तो उसी के बेसिस पे वो एक्चुअली वो क्लासिफिकेशन है ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तो आपको पहले देखना है कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस टाइप का कंस्टेंट पार्टिकल है एटम है या फिर आयन है या फिर मॉलिक्यूल है अगर वो है तो फिर वहां पे किस टाइप का बॉन्ड है वहां पे ठीक है बॉन्डिंग एग्जैक्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का है वो आपको देखना है उसके बाद उसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फोकस करना है हमें ठीक है क्या हो गया कंस्टेंट पार्टिकल कौन से टाइप का बॉन्ड कौन से टाइप का है उस पर्टिकुलर सॉलिड में देन आफ्टर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या है एंड देन थर्मल एंड हीट कंडक्टिविटी हीट कंडक्ट करता है या नहीं थर्मल कंडक्टिविटी आई मीन थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्मल एंड हीट तो एक सेम ही हो गया एक्चुअली एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये चार बेसिक पॉइंट भी आपको वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लिखने हैं और पांचवा पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या एक्जाम्पल क्या लिखेंगे एक्साम्पल तो क्या पहले कंस्टेंट पार्टिकल टाइप ऑफ अ बॉन्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है या लो है चौथा क्या हो जाएगा दैट इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड पॉइंट हो जाएगा एग्जाम्पल तो चलो शुरू करते फिर नाम ही है यानी पे ions होंगे नो right, ओके no? okay. तो देखो यहां ओनली क्या है particles? These are charged ions. Clear हो गया पार्टिकल क्या है बच्चों? चार्ज आयन है तो चार्ज आयन जैसे NACL, NACL,

टूगेदर बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रक्शन राइट ओवर आयोनिक बॉन्ड बिटवी द चार स्पेसिस क्या लिख सकते हैं आयोनिक बॉन्ड बिटवी द चार स्पेसिस भी लिख सकते हैं समझ में आ गया तो दूसरा बॉन्ड का हमने टॉपिक लिखा पहले कौन से टाइप के कंस्ट्रंट पार्टिकल्स है नेक्स्ट वन दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल

आयोनिक कंपाउंड डिजोलिंग रेडिल डिजोलिन वाटर ओनली आई हैव वाटर जैसे कि देख लो अगर एनएसएल है तो प्योर ड्राई एन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करो तो वहां पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी पॉसिबल बट वही एन को अगर आप हीट करके मेल्ट कर दो या फिर वही एनएससीएल सॉलिड एन को आप डिजोल्व कर दो वाटर में तो वो मेल्टेड एनएसएल ज वन या फिर डिजॉल्व एनएसएल और एनएसएल सोल्यूशन एक्वेस एनएल सोल्यूशन विल शो वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बट वही सॉलिड एनएसएल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया तो ऑल आयोनिक इन सॉलिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट उन्हीं को मेल्ट कर दो या फिर उनको वाटर में डाल के उनका सोल्यून बना लो सो दे शो दी कंडक्टिविटी हो गया एंड देन एग्जाम्पल सी एफ थ्रू एन एसओ एनएस ये तो मैंने बेसिक तो दो तीन एग्जाम्पल दी बट आप देख सकते हो के एन ओ थ्री आप देख सकते हो सी यूएसओ फोर ये सारे एग्जाम्पल यहां पर जाएंगे दिस इज ऑल अबाउट दी आयोनिक क्रिस्टल और आयोनिक सॉलिड चलो आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट वन दैट इज कोवल नेटवर्क सॉलिड ठीक है कोवल नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवल नेटवर्क क्रिस्टल्स अगेन कंस्टेंट पार्टिकल्स क्या है तो देखो यहाँ पे तो कंस्टेंट पार्टिकल्स आर एटम ओके okay. क्या है कंस्टेंट पार्टिकल कंस्टेंट पार्टिकल्स कौन से फॉर्म में है एटॉमिक फॉर्म में है राइट right? ये हो गया अभी बॉन्ड कौन सा देख ले, ले तो दिस बॉन्ड एटम्स आर बॉन्ड लिंक्ड टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट नेटवर्क नाम ही बता रहा है कोवाल नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कोवाल बॉन्ड होगा एटम है पार्टिकल एटम्स आर बॉन्डेड टाइप तो ऑफ बॉन्ड इज बॉन्ड दीज आर रिजिड हार्ड एंड इनकॉम्प्रेसिबल एंड अगेन हैव दी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हाई है क्योंकि रिचड है हार्ड है इनकॉम्प्रेसिबल है तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा ठीक है एंड दिस सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी ठीक है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी एक्जाम्पल डायमंड हो गया कॉर्स हो गया एस आई ओ टू का ही कॉर्ड अल्फा कॉर्स बेटा कॉर्स हमने दे देखा था ना ओके okay, पॉलीमोर्फिज्म में ओके okay, तो ये सारे एक्जाम्पल्स हो गए उनके ठीक है तो क्या किया था हमने कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है ये सारे पॉइंट हो गए कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल के लिए आगे बढ़ेंगे फॉर द नेक्स्ट वन दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड ओके मॉलिक्यूलर सॉलिड में अब मॉलिक्यूल नाम है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे बच्चों

वेरी वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्स एज वेल एस दर इज प्रेजेंस ऑफ अंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लंडन फोर्स भी बोल सकते वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और कौन से टाइप की बेसिकली होगा इंटर मोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग राइट नो तो ये तीन टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर बॉन्ड वहां पर पॉसिबल है this, this सॉफ्ट है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा लो होगा हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हाई होगा दीज आर सॉल सॉफ्ट तो दे डू हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख लो तो दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है पुअर कंडक्टर अंडरस्टूड सो दीज आर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एग्जाम्पल सॉलिड एच सी एल सॉलिड एच टू सॉलिड दिस वन सी एच फोर सॉलिड एच टू ये दो जो पहले एग्जाम्पल है ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वाले हैं सॉलिड एच सॉलिड एच टू डायपोल डायपोल इंटरक्शन से मिलेगा ओके लंडन डिस्पर्शन फोर से आपको सॉलिड सी एच टू या फिर सॉलिड एच टू मिलेगा ठीक है सॉलिड तेरे सॉलिड एच आपको मिल जाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अंडरस्टूड सो so, मैंने डिफरेंट uh, ये तीनों टाइप के इसीलिए छह एग्जाम्पल यहां पे लिख दिए हैं तीन टाइप के सारे बॉन्ड जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसके बेसिस पे ओके okay? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए अबाउट दी एंड ऑल दैरेक्ट्रिस्टिक्स पॉइंट ऑफ मॉलिक्युलर क्रिस्टल आएगा क्वेश्चन कितने के लिए दो ही मार्क के लिए आएगा और यही चार पॉइंट लिखना है इंक्लूडिंग फिफ्थ पॉइंट दैट इज एग्जाम्पल है चलो द नेक्स्ट वन

मेटालिक एलिमेंट ओके एटम ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट यानी अगर एलिमेंट uh, है आयरन तो उसमें यू नो एटम होंगे एफ के एलिमेंट अगर अगर सिल्वर है तो उसमें एटम होंगे सिल्वर दैट इज ए जी के सो यू नो दिजन सॉरी मेटालिक एलिमेंट एंड देर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ मेटालिकॉन बराबर है अब मेटल्स है तो बच्चों को मेटल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे दे आर मेलेबल मेलेबल यानी क्या कन्वर्ट इन टू थीट शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं दे आर डकटाइल डक्टाइल यानी क्या कन्वर्ट इन टू थीन वायर विदाउट ब्रेकिंग बराबर है वो भी कर सकते हैं uh, सारे पॉइंट बुक में तो उसी हिसाब से लिखा बट यू कैन एड इज दे आर हार्ड एंड मिल्टिंग एंड बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल इज इलेक्ट्रिसिटी ओके दे हैव वेरी गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल यानी हीट कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये दोनों अच्छी खासी होंगी मेटल्स के एग्जाम्पल आपको ऐड कर रहे हैं लास्ट में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम लिथियम आयरन औरट दैट इज गोल्ड सिल्वर ए जी ये सारे एग्जाम्पल यही नहीं लिखने तो आपको जो प्लेटिनम पता होगा तो पी टी लिख दो जिंक पता होगा तो जेडन लिख दो सी ए पता होगा कैल्शियम लिख दो कैल्शियम सी ए अंडरस्टोड कोई भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो तो समझ में आ गया तो टाइप्स ऑफ ये जो बच्चे जनरली कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करें यार किसी में मिक्सअप तो ना हो जाए कहीं मेटालिक क्रिस्टल uh, की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स हम लोग आयोनिक में ना डाल दें तो सिंपली वो नाम याद रखना है कौन सा है कौन कौन सा टाइप है देख लो तो यहाँ पे आयोनिक क्रिस्टल पहला आयोनिक दूसरा कोवेलेंट तीसरा कौन सा है दैट इज मॉलिक्यूल ओके एंड चौथा कौन सा हो गया दैट इज मेटालिक मॉलिकुलर क्रिस्टल एंड मेटालिक क्रिस्टल्स। वहाँ पे आपको याद रखना कंसर्न पार्टिकल कैसा है अट्रैक्टिव फोर्स क्या है मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट इस तरह का है एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी ये चार बेसिक पॉइंट की ही ऊपर आपको वो सारे लिखने एंड आयोनिक में आय होंगे आयोनिक बॉन्ड होगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हार्ड एंड ब्रिटल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बट

ठीक है तो चार टाइप के क्वेश्चन सॉलिड भी आज के लेक्चर में हमने ले कंप्लीट कर लिया गाइज यहां पे मैं वीडियो को एंड करूंगा बाय बाय एंड टेक केयर